नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल उन्नति कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी से मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ये बात आपको पहले से पता होगी यदि आप काफ़ी लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, नए नए इस फील्ड में आप आए हैं, कॉम्पिटिशन्स की आपको तैयारी करते हुए केवल 1 से 2 महीने हुआ है, तो आपको शायद इसका आइडिया नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि जीएस में कभी भी कोई भी विषय पढ़ना हो, शुरुआत हिस्ट्री से करना, उसके बाद में आप बायोलॉजी को पकड़ना, उसके बाद में आप ज्योग्राफी को टच करना, ठीक है। तो देखिए, अब हम जो डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इस लूसेंट बुक के बारे में, ठीक है। ये बुक है, ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसी बुक में से आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे केवल वही बताऊंगा आज, ठीक है। तो आप वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि आप इस बुक को परचेज कर लीजिए मार्केट से, या फिर अगर मार्केट पास में नहीं है तो आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर लीजिए अमेज़न के थ्रू। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वीडियो को देखते हुए आप इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करिएगा, ठीक है। और जब आप हाईलाइट करेंगे ना एक एक लाइन को और इस वीडियो को देखेंगे, आई एम डैम श्योर, मैं आपको पक्का वादा करता हूँ कि आपको इस बुक का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो। आप ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ये बुक याद नहीं हो पाएगी कभी भी, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। आपको जैसे भी पढ़ना है वैसे पढ़िए, बस टारगेट ये है कि इस वर्ष के अंत तक, 2017 के एंड तक आप अपना सिलेक्शन लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना प्लीज़ मत भूलिएगा। कहीं से भी पढ़िए, टारगेट ये है कि वो पढ़िए, इतना अच्छा पढ़िए कि आपको एग्ज़ाम में कभी भी कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसका एग्ज़ाम में राइट आंसर क्लिक करके आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अनुवांशिकी, इस टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वो है अनुवांशिकी के बारे में। देखिए, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संचरित होते हैं, उन्हें बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण। अब हम बात करते हैं थोड़ा ग्रेगर के बारे में, ग्रेगर कौन था। देखिए, अनुवांशिकी जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। तो अनुवांशिकी जो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करा था वो एक ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ग्रेगर जोहान मेंडल ने किसका आविष्कार करा था, तो ये था अनुवांशिकी का, इन्होंने इन्वेंट करा था, इन्होंने अनुवांशिकी शब्द को पहले बार साइंस के अंदर ऐड करा, और उन्होंने पूरा तरीके से एक्सप्लेन करा कि अनुवांशिकी होती क्या है, जेनेटिक्स किसको बोलते हैं। तो अब बात करते हैं आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में, आपके एसएससी में या अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से ये बनता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, ग्रेगर को। एग्जाम में आपको कभी कभी सिंगल ये वर्ड देगा, ग्रेगर देगा, या फिर आपको दे सकता है मेंडल, तो आपको पूरा ही नाम याद करने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना ना एग्जाम में आपने। देखिए, अगर गलती से उसने ऑप्शंस में ग्रेगर दे दिया और आप मेंडल पढ़ के चले गए, मेंडल आपको याद रहा, वहां पे आपको मेंडल नहीं मिला, उसने वहां पे दे दिया ग्रेगर, तो क्या करोगे, आपके हाथ से तो क्वेश्चन गया ना, एक नंबर गया आपके हाथ से। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है, कुछ नाम को पूरा ही पढ़ लीजिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेगर जोहान मेंडल इसके रचयिता थे, ये मान लीजिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाटसन कौन था। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में क्या करा था, जेनेटिक्स नाम का प्रयोग करा था, ठीक है। जेनेटिक्स नाम का जो प्रयोग करा था वो ग्रेगर ने भी करा था और वाटसन ने भी करा था। एग्जाम में आपको दो में से कोई एक नाम ही देगा, दोनों नाम देकर के वो अपना क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस में कि एग्जाम कंडक्ट हो जाता है लेकिन लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चंस वो गलत क्वेश्चंस बन जाता है, पूरा डिपार्टमेंट लिखे के नंबर सबको देता है, ठीक है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल को याद रखिएगा और आपको वाटसन भी याद करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। देखिए, फीनोटाइप क्या होता है, जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, डायरेक्ट सामने जो विजिबल होते हैं उनके लक्षण,
तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप क्या होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण जो दिखते नहीं हैं, ठीक है। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को उसका क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कार को मतलब जीन का बना होता है। अनुवांशिकी संबंधी का जो प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का चुनाव करा था, अनुवांशिकी जो उन्होंने इन्वेंट करा था उसके लिए एक पौधे का चुनाव करा था। उसमें अपने उसने ये देखा कि यार वास्तव में ये जो होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें ट्रांसफर होती हैं, तो ये वास्तव में सही बात है। तो उसने अपने इस बात को, इस तथ्य को रखा था, कौन से पौधे को हाथ में लेकर के, मटर का पौधा उन्होंने हाथ में लिया था, उन्होंने एक कोई रोग जो था पौधे में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही उससे एक नया पौधा जन्म लिया, पौधा नया बना, तो क्या हो गया, वो रोग उसमें ट्रांसफर हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो बस उसने कौन से पौधे का यूज करा था, उसने करा था मटर के पौधे का यूज। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है बच्चों साइड से, क्योंकि किसी और जगह मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो जो हाउस है, जो पूरा वो हॉल है, वो एक्चुअली रोड के नियर में है, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के लिए सॉरी। देखिए पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं आपके स्टेट के ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, अनुपात पूछता है। तो फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1, और जीनोटाइप अनुपात कितना होता है, ये होता है 1:2:1, ठीक है। फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1, सब कुछ इस बुक में आपको मिलेगा, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो इस बुक को तो आपने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब क्या होता है, ये जो था आपका पहला था आपका पीढ़ी का पौधा, उसके बाद बोलते हैं F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात जो होता है वो होता है 9:3:3:1, और F2 पीढ़ी के पौधे को बोलते हैं जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:2:4:2:1:1:2:1। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे, ठीक है, तो डरना नहीं है। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके सामने बनेगा, वो बनेगा आपसे जाति और उनके गुण सूत्र की संख्या क्या होती है। तो घरेलू मक्खी जो होती है, जो घर में जो मक्खी वगैरह देखते हैं, तो उसके गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 12। बात करें चूहे की, तो चूहे की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, ये होती है आपकी 40। और 46 किसकी होती है, ये होती है आपके मनुष्य की। हम सब मनुष्य हैं, हमारे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, एग्जाम में ये पूछ लेता है, ये होती है 46। फिर हम बात करते हैं टेरी डो काइट्स की, जो संख्या होती है गुणसूत्र की, वो इस 1300 से लेकर के 1600 तक होती है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र का प्रतिपादन नामकरण सबसे पहले किसने करा था और कब करा था। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये करा था डब्ल्यू वॉल्टियर ने 1888 में। और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं जीनोम। और गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा जीन। प्लाज्मा जीन जीनोम क्या होता है और किसने इसका नामकरण करा, ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। और गुणसूत्र की संख्या इसमें आपको अभी याद कर लेनी है, इसको कल पे नहीं छोड़ना है, इसको नोट नहीं करना है, इसको तुरंत याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मानव में क्या होता है, कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राथमिक अमीनो एसिड मानव के शरीर में कितने पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 20। उसके बाद हम बात करते हैं कि मनुष्य में लिंग का जो निर्धारण होता है वो क्या होता है, वो डिपेंड होता है गुण सूत्रों की संख्या पर। और मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी थी, 46। अभी हमने ऊपर देखा था, देखिए मनुष्य के बारे में देखा था 46, यही क्वेश्चन इसने साफ साफ यहाँ पर दे दिया। अब हम बात करते हैं, देखिए परख नली शिशु के मामले में जो निषेचन होता है, हम कहते हैं परख नली शिशु है ये, तो उसमें जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है, परख नली के अंदर होता है बाहर होता है, एक्चुअली ये होता है परख नली के अंदर। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। जैव विकास, अगला पॉइंट है हमारा जैव विकास। जैव विकास क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं, जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। बाकी और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें इतना नहीं है। मनुष्य में लगभग क्या होते हैं, कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हमारे 100। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है क्या, साइनोबैक्टीरिया। और पक्षियों का जो विकास हुआ था वो एक्चुअली क्या हुआ था, सरीसृप से हुआ था ऐसा माना जाता है। और जल और स्थलचर, जो जल में भी चलते हैं और स्थल पर भी, जैसे मगरमच्छ होते हैं, ऐसे जीवों का विकास किससे हुआ है, ये हुआ है मत्स्य वर्ग से।
और स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी क्या हुआ है? सरीसृप से हुआ है। तो आपसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछता है, आपसे पूछता है जल स्थलचर पक्षी और ये प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से होते हैं। तो ये पूरा ही पॉइंट हाईलाइट कर रखा है, आप भी इसको इसी तरह से हाईलाइट करना अपने बुक को, ठीक है? हाईलाइट करके छोड़ना नहीं है उसको, रिवीजन भी मारना है उसका, ठीक है? रिवीजन जरूर करना है उसका, ठीक है? अब देखिए जीवाश्म क्या होते हैं, सिंपल कि अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों के पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान होते हैं परंतु बाद में क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं बड़े बड़े। तो इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं जीवाश्म कहते हैं। और जो इन सबका अध्ययन करते हैं कैसे ये जीव मरा, कैसे अवशेष बने, कैसे चट्टान बनी, कौन से जीव की मात्रा इस चट्टान में काफी अधिक है, पत्थर में ये है वो है, ये वगैरह वगैरह सब क्या होगा, जीवाश्म विज्ञानी क्या होता है, ये करता है इसका अध्ययन। अब हम बात करते हैं लेमार्कवाद क्या कहता है। देखिए लेमार्कवाद का सिद्धांत कब दिया गया था, ये दिया गया था 1809 में, और उनकी एक पुस्तक थी फिलोसफिक जूलॉजिक। किसने लिखी थी ये कभी एग्जाम में क्वेश्चंस बुक का नाम दे देता है और आपसे पूछता है इसके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है लेमार्क। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रकृति होती है। अब हम बात करते हैं डार्विन के बारे में, चार्ल्स डार्विन इसका पूरा नाम था। तो चार्ल्स डार्विन ने 1809 से लेकर के 1882 ईस्वी ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का एक्चुअली भ्रमण करा था। किसने करा था ये नाम आपको याद रखना है, चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था, बीगल नामक एक जहाज का नाम है एक्चुअली ये, ठीक है, बीगल एक जहाज का नाम है, उस जहाज पर बैठ करके पूरे विश्व का भ्रमण करा था। तो उसने देखा था कि जैव किस तरह से विकास करते हैं, ये सर्च करने निकला था कौन से जहाज पर, बीगल नामक जहाज पर। और ये वर्ष हो सके तो याद कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं आपसे वनस्पति विज्ञान के बारे में, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, उसको बोलते हैं बोटैनी। तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, उसका नाम बताइए, उसका नाम है थियोफ्रेटस। और एकलर क्या था, एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण करा, पादप जगत दो भागों में डिवाइड करा, फिर इसके बाद में उसको तीन भागों में डिवाइड करा, किसने कितने भागों में डिवाइड करा वो सब आप छोड़ दीजिएगा, बस अब याद रखिएगा कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने करा था, उसका नाम बताइए, उसका नाम है आपका एकलर, कब करा था, 1883 में। फिर आपका थैलोफाइटा, यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, उसका नाम बताइए, ये आपका शैवाल बोल देगा आपको, थैलोफाइटा दे देगा आपको, एक पौधे का नाम दे देगा या फिर कोई अदर ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है क्या, थैलोफाइटा। फिर हम बात करते हैं शैवाल के बारे में, शैवाल क्या होते हैं, देखिए शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करा जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, तो आपको याद रखना है शैवालों का अध्ययन करा जाता है किसमें, फाइकोलॉजी में। फिर है आपका क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के कैबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, ठीक है? तो आपको इस शैवाल का नाम याद रखना है, क्या है ये, क्लोरेला नामक शैवाल क्या होता है, अंतरिक्ष अपने कैबिन में रखता है इसको, उससे क्या मिलता है, उसको भोजन मिलता है, जल मिलता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। कौन से शैवाल से अंतरिक्ष यान के कैबिन में और उसको अंतरिक्ष यात्री को क्या क्या मिलता है, प्रोटीन युक्त भोजन मिलता है, जल मिलता है, शैवाल का नाम बताइए, याद रहेगा क्या, क्लोरेला, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कवक जो होता है इसके अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, इसमें अध्ययन होता है कवक का। तो आपके लिए कवक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, वो कवक का वर्ड यूज नहीं करेगा आपके सामने, ये शब्द नहीं देगा आपको क्वेश्चंस में, वो देगा माइकोलॉजी, आपको इंग्लिश की टर्म में ही, इंग्लिश के ही वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे किसी भी एग्जाम को देने से पहले। क्योंकि देखिए कॉमन सी बात है, कवक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, एक बच्चा भी बता देगा इस चीज़ को कि कवक विज्ञान में कवक का अध्ययन होता होगा, कॉमन सी बात है। लेकिन वो स्मार्ट है डिपार्टमेंट, कोई भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, आपको पेपर डिजाइन कर रहा है, तो वो आपसे उम्मीद करता है कि आप कम से कम छोटी मोटी जो टर्मोलॉजी है साइंस की वो आप याद कर पाए। देखिए कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, कवक पौधों में क्या करते हैं, गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं।
तो पौधों में जो कोई भी रोग होता है ना, हम कहते हैं कि पौधे खराब हो गए हैं, कीड़े लग गए पौधे में, तो वो सब कारण क्या होता है? कवक। अब हम बात करते हैं, देखिए एक रोग होता है दमा और उसके कवक का नाम क्या होता है? हमको कवक के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। खाज जो होती है, खुजली जो होती है, उसमें कौन सा कवक काम करता है? तो ये है आपका आकेरस, स्केबीज, ठीक है, गंजापन, टीनिया, कैपिटिस, दाद जो होता है वो इसके द्वारा होता है। तो ये सब कवक आप याद कर लीजिएगा। आप मेडिकल की तैयारी तो खैर नहीं कर रहे होंगे, अगर कर रहे हैं आप तैयारी तो आपको ये सब चीज़ें पहले से याद होगी। अगर आप MBBS वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सब कवक के नाम आपको टिप्स भी याद होनी चाहिए। तो अगर आप नहीं भी कर रहे हैं लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक ने करी थी। इसका नाम क्या था? इसका नाम था इवान विस्की, ठीक है, इवान विस्की। जीवाणु क्या होते हैं? इसकी खोज हुई थी 1683 में हॉलैंड के एटोनी वान ल्यूवेन हॉक ने की थी। और जीवाणु विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ल्यूवेन हॉक को। फिर अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका एक पाश्चीकरण होता है, ठीक है। तो इसके पाश्चीकरण की दो तरीके होते हैं। एक तो होते हैं लो टेम्परेचर में करते हैं उसको, मतलब उबालना होता है एक तरह से, ठीक है ना। इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर में उबाल देते हैं जिससे क्या होता है दूध लंबे समय तक चलता है। आप देखते होंगे ना, आप जैसे अमूल वगैरह दूध यूज़ करते हैं तो उसके पैकेट में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? पाश्चीकरण दिस 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 देता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है दूध को क्या करते हैं 68.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, ठीक है। और हाई पे क्या होगा, 62 की जगह पे क्या होगा, 71 हो जाएगा और 71.7 होगा और 15 सेकंड तक इसको गर्म करते हैं। तो आपसे पूछता है कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में, मतलब दूध के LTH, दूध में जो LTH मेथड अपनाया जाता है उसमें दूध को कितने मिनट तक गर्म कराया जाता है? तो ये था 30 मिनट। अगर बात बोलेगा HTST मतलब हाई की बात करेगा तो उसमें क्या है, 15 सेकंड। तो एग्जाम में मैक्सिमम वो टाइम पूछता है, टेम्परेचर बहुत कम ही पूछता है। अगर आप किसी स्टेट PCS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपसे पूछ सकता है टेम्परेचर, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस से पर वो उबाला जाएगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देखिए इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। तो ये डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चलिए, कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का एक समूह होता है, जमीन पर उगने वाले पौधों का एक ग्रुप होता है। इस प्रभाग में लगभग क्या होती हैं, 25,000 जातियाँ सम्मिलित होती हैं। और इसमें जो संवहन होता है ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि स्फेगनम नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखते हैं। मतलब उनका वेट चाहे जितना भी हो उससे 18 गुना वो पानी पी लेते हैं। इसलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। अगर एक पौधा लंबा ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि कोई आपके स्टेट है वहाँ पे कोई चीज़ काफ़ी अच्छी उगती है, जैसे हम कहते हैं कुछ स्टेट में कड़ी पत्ता काफ़ी अच्छा उगता है, और मैं आपसे बोलूं कि दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है उसको, और आप रहते हैं कहाँ पर, चेन्नई में, और चेन्नई से अगर आप दिल्ली में ट्रांसफ़र करेंगे उसको बस के माध्यम से या फिर ट्रेन के माध्यम से, तो वो बीच में कहीं मुरझा जाएगा। उसको पानी कौन देगा? उसको पानी देगा ये कैटेगरी, राइट, समझ में आ गया। स्फेगनम, आगे देखिए हम बस ये पढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा क्या होता है? इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकतर पाए जाते हैं। पौधों का शरीर क्या होता है? जड़, तना, शाखा एवं पत्तियां में विभेषित होता है। तना साधारणतः क्या होता है? राइजोम के रूप में होता है। तो इतना मत पढ़िए फिलहाल, और बस इतना पढ़ना कि पौधे बीजाणु जनक होते हैं। पौधे क्या होते हैं? पौधे होते हैं बीजाणु जनक, और जनन की क्रिया कहाँ करते हैं? बीजाणु के द्वारा होती है। इनकी जनन की क्रिया कैसे होती है? बीजाणु के द्वारा ही होती है। फिर हम बात करते हैं नग्न बीजी एवं आवर्त बीजी। तो हम डायरेक्ट तो कुछ नहीं पढ़ सकते, ऐसे नगन बीजी भी होते हैं, आवर्त बीजी भी होते हैं। ये क्या होते हैं? फिलहाल नगन बीजी में क्या होते हैं, ये मेरुभिद होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं मेरुद्भिद। सबसे छोटा अनावर्त बीजी पौधा कौन सा है? ये क्वेश्चन देखिए बस।
इसमें, ठीक है, इसको हाईलाइट करना आप। जीगो बाइलोवा को मेडेन हेयर ट्री भी कहते हैं। मेडेन हेयर ट्री किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं जीगो बाइलोवा को। देखिए, एक बीजपत्री पौधे कौन कौन से होते हैं? तो ये कौन से कुल से बिलोंग करते हैं, किस गोत्र से बिलोंग करते हैं? अगर मैं ये कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। देखिए, उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र पाए जाते हैं, और इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दिया गया है। कौन सी सारणी में? नीचे जो सारणी दी गई है उसमें दिया गया है। आपको याद करना है लहसुन और प्याज के बारे में। लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज वही जो आप सब्जी में यूज करते हैं, तो ये किस कुल से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं लिलिएसी से। और सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, ये किस कुल से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं आपके पालमी से। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि, इनके कुल का नाम क्या है? इनके कुल का नाम है ग्रेमिनेसी। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा आपको। बस बाकी कुल के नाम की आपको आवश्यकता नहीं है याद करने की, ठीक है? तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने बुक को हाईलाइट करा होगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करा होगा, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, उसमें कंजूसी मत करिए, और आपका जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप भी आगे बढ़िए और को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और आप इस चैनल में अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप वर्किंग है किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, आप पेटीएम के माध्यम से भी इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन इस चैनल पे ही यूज़ होगा, क्योंकि किसी भी बुक की वीडियो बनाते समय उसकी स्कैनिंग करनी पड़ती है। स्कैनिंग भी कहीं ना कहीं पेड होती है। कोई अगर स्कैनिंग करता है, फिर उसके बाद हम उसको हाईलाइट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर, माइक, टाइम, स्पेस, बहुत सारी चीज़ों का कुछ एक्सपेंस होता है। अगर आप हैं एलिजिबल, अगर आपको लगता है कि ठीक है हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप किस तरह से आप फादर से, मदर से, अपना घर से पैसे मंगवाते हैं, और आप यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसा मत करना। कंट्रीब्यूट करना जब आप सक्षम होंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए, तब। तो ठीक है, फिलहाल इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। परचेज कर लीजिएगा बुक को मार्केट से। अगेन बोलूँगा, परचेज कर लीजिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको उसका अमेजन का ऑनलाइन लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगली बार वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ हाथ में बुक होनी चाहिए। धन्यवाद।